हैव अ डाटा और वी कॉल्ड एवरी कंपनी हैव अ डाटा, ठीक है, अनलिमिटेड डाटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है, और उस डाटा को शेप करके सीनियर मैनेजमेंट तक शेयर करना और उसे पावर बीआई इज वन ऑफ द बेस्ट की बात करेंगे तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सामने रखे जाते हैं, नंबर वन इज वॉल्यूम, नंबर टू इज काउंट. वॉल्यूम मींस बिजनेस, जो अमाउंट है, रेवेन्यू है. काउंट मींस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, इन्वेंट्री हो सकती है आपकी, नंबर ऑफ आपके चेक्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ आपके कोई भी काउंट्स के तौर पर लेके चल सकते हैं. सो लेट्स एग्जांपल, अगर आप मुझे क्विकली थम्स अप कर दें, हैंड रेज कर दें, तो मुझे पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ ऑडियंस जो यहाँ एक्सेल बैकग्राउंड से है और उन्हें मालूम है कि यार एक्सेल के डैशबोर्ड्स क्या होते हैं, राइट, दैट्स ग्रेट, तो अच्छे काउंट्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं. सो एक्सेल में इंसर्ट के टैब में डेटा शोकेस के लिए चार्ट्स का एक सेक्शन दिया हुआ है, लाइक सारी दुनिया में स्टैंडर्ड है, तो मैं अपने थोड़े वर्डिंग्स को चेंज कर दूंगा, बाकी आपको मुझसे इंशाल्लाह बेनिफिट ही होगा. ओके, सो हम बात कर रहे थे कि लार्जेस्ट डाटा कनेक्टर्स इन 100 मोर देन डाटा कनेक्टर से डाटा आप ला सकते हैं, नंबर वन. नंबर टू इज आप डाटा विजुअलाइजेशन मोर देन 300 आज की डेट में अवेलेबल है. अच्छा, मैं आज की डेट क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज के पावर भी आएगा एक्टिवली चेंजिंग्स आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक. लेकिन सवाल यह है कि चेंजिंग्स प्रीवियस को रिप्लेस करके नहीं आ रही है. अगर आज कोई फीचर मिसिंग आपको मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल जिसके बारे में तो आपको पता ही नहीं है, और वो फीचर अपकमिंग डेज के अंदर इनकॉर्पोरेट हो रहा है, तो वो तो वैल्यू एडिशन अंडू हम कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्सेल के यूजर नहीं है. और मान के चलेंगे यही डाटा अगर आपके पास पीडीएफ में आ रहा हो या सीएसयू में आ रहा हो, टीएसटी में आ रहा हो, तो वहां तो आप फाइनली रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, तो उसका मेथड क्या होगा, राइट, तो उसको समझेंगे हम. नेक्स्ट कॉलम डेजिग्नेशन कॉलम. डेजिग्नेशन कॉलम इज ऑलमोस्ट गुड, बट प्रॉब्लम इज कि यहां सम कंप्लीट डाटा स्मॉल लेटर में है, हम इंडस्ट्री के अंदर प्रॉपर केस में बेशक 1 रुपए की वैल्यू है, लेकिन आप उसे पब्लिक नहीं कर सकते. तो कंपनीज के लिए, अगर आप अपनी कंपनी के लिए काम करें तो आपको तो पता ही है कि भाई वो तो लीगल एक्शन हो जाएगा आपके लिए, लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपसे एनडीए साइन करवाएगा. एनडीए एग्जैक्टली आपकी जो वर्किंग है वो एग्जैक्ट आपको लेकिन पिक्चर हम बनाए कैसे. लेट्स एग्जाम्पल, अगर मैं आपको दोबारा से अपनी वेबसाइट पर ले जाऊं और यहाँ आपको एलएनडी का डैशबोर्ड ये मैं दिखाऊं, तो ये डैशबोर्ड, ये जो बैकग्राउंड है, ये बटन्स हैं, ये मैंने कैसे बनाए. तो वैसे तो मुझे इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप भी आती है, ठीक है, थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं, तो ये वैसे मैं वहां भी बना. आप उसकी डाटा टाइप को चेंज करें, यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, आप जो भी फॉर्मेटिंग चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं. तो पावर बीआई डेस्कटॉप में फॉर्मेटिंग होगी, राइट, पावर क्यूरी में ETL क्रिएट होगा, ये याद रखिएगा. जितनी मॉडलिंग फॉर्मूलाज रिलेशनशिप्स, तो एज तो हमारे पास है ही नहीं, और मैंने कहा था डेट में से एज निकाल लें. और दूसरी सिचुएशन में अगर पावर बीआई डेस्कटॉप में जाना है तो सॉरी पावर क्यूरी में दोबारा जाना है तो कैसे जाएंगे, तो होम के टैब में ट्रांसफॉर्म डेटा हमें मिल रहा है, क्लिक करें आप करेंगे इस पे, हम पावर क्यूरी में दोबारा आ गए. That's it, simple. Add कर देंगे इन years में, और वो कैसे होगी, इसी कॉलम की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो अब एड कॉलम में नहीं करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ड्यूरेशन टोटल ईयर्स, यही डाटा इन ईयर्स में कन्वर्ट हो गया. डेसिमल ज्यादा है तो हम राउंडिंग पे आते हैं, डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की के डेटा पे काम कर रहे हैं और उसमें कौन सी विजुअल आपको हेल्प करती है. अच्छा, ये वो विजुअल्स हैं कि जिनके बारे में आपको अपने ऑडियंस को समझाने नहीं पड़ता, उनको इन चीजों के बारे में पहले से पता होता है, आपको सिर्फ उन विजुअल्स में एप्रोप्रिएट डेटा क्लॉक करना है, वहां पर उसे पेस्ट करना है, तो उनकी फॉर्मेटिंग का आप लोगों में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आपका टाइम और एनर्जी बच रही होती है. तो मैंने जल्दी से उनके कैटेगरी को फॉन्ट को एडजस्ट कर दिया. नंबर वन इज हेड काउंट, नंबर टू इज प्रोमिनेंट, नंबर थ्री इज डेमो. तो ये सेकंड विजुअल बन गए, और आई एम श्योर कि अब आपको मेरे साथ से कार्ड ऑफ है. तो ये हमारा अमाउंट टेबल को सिर नाम देते हैं, मेरे ख्याल है मजीद इसके नाम करते हैं, गलत होती है उसको समझना होगा आपको ना. अब ये रिलेशनशिप बनाने के बाद अगर मैं अपने रिपोर्ट के सेक्शन में जाके यहाँ रिजल्ट देखूँ तो इस पर कोई भी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, ठीक, हमारी जो सैलरी है वो भी उसी तरह से डायनेमिक है, ब्रेक हुई है 1.2 बिलियन हम पे कर रहे हैं, और हमारा बजट है 1.3 बिलियन, जिसमें कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, रिलेशनशिप बनाने के डिलीट होंगी
आपको पावर बीआई में सिर्फ रिफ्रेश बटन प्रेस करना है, डेटा आपका लाइफ हो जाएगा। आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी ETLs क्रिएट किए हुए, जो डैशबोर्ड्स आपने क्रिएट किए हुए, वो तमाम डायनेमिकली आपके पास अपडेट होंगे। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन वर्क सिनेरियो है ऑफिस के अंदर, कि अगर डेटा फ्रॉम फोल्डर हमें लेना है तो वो कैसे होगा। लेकिन उसमें